वाराणसी एक ऐसा शहर जो अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसके हर एक घाट अपनी अलग महिमा लेके, अलग कहानी लेके सदियों से यहाँ पे खड़ी है। बनारस के पान, इसके तो क्या कहने, इसके चर्चे तो दुनिया भर में होती है। और एक चीज़ जो वाराणसी में खास है वो है यहाँ की गंगा आरती, जिसकी खूबसूरती जुबा से बयां नहीं हो सकती। यही सब देखने लाखों लाखों लोग वाराणसी आते हैं। और कभी ना भूलने वाली कुछ खास यादें लोग साथ में लेके वापस जाते हैं। मैं भी आज कुछ ऐसी ही यादें बनाने अपने लिए निकली हूँ। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। सो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग दोनों रेडी हो चुके हैं, फुल पैक हो गया है क्योंकि बाहर ठंड बहुत बढ़ रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे जाके शाम की गंगा आरती देखने की कोशिश करेंगे। सुना है बहुत जल्द जाना पड़ता है, इससे जल्दी तो हम लोग नहीं जा पाए, तो देखते हैं कहाँ जाके जगह मिलता है, थोड़ा सा आरती देखेंगे और सब कुछ एंजॉय करेंगे। तो चलिए घूम के आते हैं। होम स्टे से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं कोई ऑटो या ई रिक्शा लेने के लिए। आज हम लोगों ने सोचा है हम लोग बुक नहीं करेंगे, शेयर में जाएंगे। ये रहा संकट मोचन हनुमान मंदिर और इसी के पास सामने यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो हमने आज ऐसे ही रोटेशन वाला ई रिक्शा ले लिया, 20 रुपये पर हेड भाड़ा पड़ा हम लोगों को। और अभी हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे जाके शाम की गंगा आरती देखेंगे। ये है फेमस दुर्गा मंदिर, ये हम कल घूमने आएंगे सोचे हैं। ये भी बहुत खास मंदिर है यहाँ का, वाराणसी का। आप लोग अगर घूमने आओ तो ये ज़रूर घूमने आना। सबसे पहले आज हमने सोचा क्यों ना बनारस का फेमस पान खाया जाए। हमने पान अभी तक टेस्ट नहीं किया था, तो ये एक अच्छा सा शॉप था, सबने बोला यहाँ पे आप पान बना खाओ, बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने और मनोजीत ने दो पान ले लिया और ये आ गया मेरा पान। थैंक यू। बनारस का पहला पान। भाइयों को कुछ बोलना है? बस बनारस का ये सबसे मीठा पान, मीठा पान होता है बनारस का, नामी पान मीठा पान है के पान बनारस वाला। बंद अकल का ताला। बनारस का पान खा के और अकल का ताला खोल के हम लोग अभी जा रहे हैं केदार घाट की ओर। बनारस का पान वगैरह सब कुछ खा के अभी हम लोग जा रहे हैं केदार घाट की तरफ, क्योंकि दशाश्वमेध घाट के लिए हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो हमें जो भैया पान दे रहे थे ना, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप केदार घाट उतर जाओ, वहाँ से घाट घाट होके चढ़ के चले जाना दशाश्वमेध घाट। तो उन्हीं के सलाह पे हम लोग अभी वही कर रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं। जो दौड़ हम लोग लगा रहे हैं ना आज 2 दिन से, और पान बढ़िया है, मेरा तो मीठा वाला मैंने खाया है, काफ़ी अच्छा है। और तुम्हारा पान कैसा है? पान बहुत अच्छा है, मैंने वो ज़्यादा वाला पान खा लिया था। तो ठीक है, बढ़िया, बनारस का जो भी पान खाओ अच्छा है। दशाश्वमेध घाट में आरती है, वहाँ पे जाने में हमें टाइम और लग जाएगा, इसलिए हम लोग केदार घाट जा रहे हैं। वहाँ से घाट घाट से चल के हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुँच जाएंगे। वाराणसी के करीब हर एक घाट से ऐसे ही बोट चलता है, तो यहाँ पे केदार घाट में भी देखिए बोट लगा हुआ है, लोग यहाँ पे चढ़ के बैठ रहे हैं।
बोट पहले आपको पूरा गंगा नदी घुमाती है और उसके बाद दशाश्वमेध घाट के सामने लाके बोट खड़ा कर देती है। आप बोट से बैठ के गंगा आरती देख सकते हो। हम लोग आज बोट नहीं बुक किए हैं, हम लोग ऐसे ही देखिए बड़ा सा रोड टाइप बना हुआ है, हर एक घाट कनेक्टेड है। तो हम लोग ना ऐसे ही घाट घाट में घूमते हुए और हर एक घाट की खूबसूरती एंजॉय करते हुए चल के जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। ऐसे हम लोगों का सारा घाट घूमना भी हो जाएगा। दशाश्वमेध घाट पहुंच के देखते हैं कि आरती शुरू होने वाला है और आप भीड़ देखिए, लोग करीब 4 बजे से आके ही यहाँ पे बैठ जाते हैं ताकि सामने से बैठने का जगह मिले और अच्छे से आरती देख पाए। बोट वगैरह भी सब कुछ लग चुका है, लोग बोट से भी बैठ के आरती देख रहे हैं। लाखों लोग ऐसे ही रोज यहाँ पे गंगा आरती देखने आते हैं। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की जो अनुभव है वो जुबा से बयां नहीं हो सकता, ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसकी यादें मैं हमेशा अपने दिल में समेट के रखने वाली हूँ। गंगा आरती बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा और बस अभी ये गोधुलिया चौक तक जा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट रोड जो है वो उस पर चलते चलते बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब लोग घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हम लोगों ने आरती देखा। मतलब इतना लेट पहुंचने के बाद भी हम लोगों को इतना अच्छा सामने से देखने को मिला ना, मतलब ये सिर्फ महादेव की कृपा है और कुछ नहीं है ना। बहुत अच्छा दिन था हमारा, भगवान शिव ने हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से आशीर्वाद दिया। हम लोगों को काल भैरव मंदिर में भी बहुत जल्दी जाने को मिला, तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग ब्लॉग देखते रहिए हमारे। अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट से गोधुलिया चौक तक जा रहे हैं। ये जो दशाश्वमेध घाट रोड है ना, इसकी अलग ही खूबसूरती है। चारों तरफ दुकान, लाखों लाखों लोग घूम रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कहीं पे खाना खा रहा है। इसकी जगमग जगमग चारों तरफ इसकी जो वाइब्स है ना, वो मैं क्या बताऊं आपको। हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था, सब कुछ देख रहे थे, धीरे धीरे घूम रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग अभी जा रहे हैं काशी चाट भंडार। सोचे थोड़ा सा फेमस काशी चाट भंडार का जो टमेटो चाट है, क्यों ना वो टेस्ट किया जाए। हम लोग चलते चलते दशाश्वमेध घाट से निकल के गोधुलिया चौक तक आ चुके हैं और इस स्ट्रीट का रात का ब्यूटी इतना खूबसूरत है ना, इतना अच्छा लग रहा है देख के। चारों तरफ जगमग जगमग जो है सारे शॉप्स वगैरह हैं और इतना भीड़ है ना आज के दिन, मतलब मैं क्या बताऊँ। लोग जैसे धक्का मुक्की करके एक एक करके निकल
निकल रहे हैं, ऐसा हालत हो गया है। तो बस मैं और मनोजीत भी जा रहे हैं सामने की तरफ, देखते हैं फिर कहाँ जा पाए। एक अच्छा चाट खाने का मन है, तो फेमस चाट भंडार जो है वो सब घूम रहे हैं हम लोग, अगर मिलता है तो चाट खाएंगे अभी। फाइनली हम लोग पहुंच गए द फेमस काशी चाट भंडार, और आज देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मनोजीत कैसे करके लाइन में लग के एक टमेटो चाट ऑर्डर किया, जो कि मुझे खाने का बहुत मन था। तो फाइनली आ गया है हमारा यमी यमी टमेटो चाट, और बस हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है खाने में। और भी बहुत सारे चाट यहाँ के फेमस है, लेकिन भीड़ के चलते मैंने और कोई भी ऑर्डर नहीं किया। जो एक मिला मैंने सोचा वही खा लेती हूँ, उसी से मन को भर के तसल्ली दे के घर वापस जाती हूँ। घर आ गए हैं हम लोग, और अभी रात के करीब 9:15 हो रहा है। हम लोग चाट वाट खाने के बाद उधर ही घूम रहे थे कुछ देर, और बस उसके बाद आते वक्त ना हम लोगों ने अपना डिनर पैक करवा के लेके आ गए, रोटी सब्जी। तो कुछ देर अभी रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तबीयत एकदम ढीला लग रहा है, ख़राब लग रहा है, क्योंकि सुबह से इतना भागा दौड़ी, इससे पहले 2 दिन जर्नी, तो आप समझ सकते हो क्या बीत रहा है हमारे ऊपर। तो कल कुछ कुछ और प्लान किया है, कहीं कहीं और जाना है, तो सब कुछ मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में और भी बहुत जगह पे हम लोग जाएंगे, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आशा करूँगी आप लोग देखोगे, और ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट पे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय, फोकस।